यार अक्षय कुमार की जो मूवीज की क्वालिटी है वो अरविंद केजरीवाल के हिंदू प्रेम की तरह ही बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रहती है। उसके ऊपर से अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जिनको साल में इतनी सारी मूवीज बनाने का शौक है कि जिस समय पर आप दिवाली की छुट्टी मना रहे थे उतनी सी छुट्टी में अक्षय कुमार जी ने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का सीक्वल शूट करके खत्म भी कर दिया। पैसा ही पैसा होगा। तो जब राम सेतु फिल्म रिलीज हुई तो मैं उस फिल्म को काफी नर्वसनेस के साथ देखने गया कि कहीं हमें एक और बच्चन पांडे तो नहीं मिल रही है। और देखिए फिल्म परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन यार मुझे फिर भी पसंद आई। हेलो हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो राम सेतु अक्षय कुमार जी की इस साल की 365वीं फिल्म है और फिल्म की जो स्टोरी है एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है कि एक एथियस्ट आर्कियोलॉजिस्ट को ये टास्क दिया जाता है कि आप जाकर प्रूफ कीजिए कि राम सेतु जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये मैन मेड नहीं है। लेकिन अक्षय कुमार को अपनी खोज के समय पर ऐसा सबूत मिलता है कि उनको अपनी खुद की फिलॉसफी, अपनी खुद के थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करना पड़ता है। तो एक एथियस्ट अपना माइंड चेंज कर रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में काफी कम दिखाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आमिर खान की फिल्म होती तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसका उल्टा होता। और इस फिल्म में एक्चुअली एक काफी सोफिस्टिकेटेड डिबेट उठाया गया है और वो डिबेट है इतिहास और आस्था के बीच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह के सोफिस्टिकेटेड टॉपिक्स को उतने ही अच्छे से हैंडल किया जाता है जितने अच्छे से राहुल गांधी जी साउथ इंडिया के लोगों के नाम प्रोनाउंस करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और ये फिल्म उस मुद्दे को भी उठाती है जिसको वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स कांतारा ने भी उठाया था कि फेक एक्टिविस्ट जो ईद के समय पर मुन्ना भाई एमबीबीएस के आनंद भाई की तरह कोमा में चले जाते हैं, वो हर साल दिवाली और होली के समय पर अपने कोमा से उठकर लोगों को ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं, उनको भी ये फिल्म कटघरे में खड़ा करती है और पूछती है उनसे कि रैशनलिज्म के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर क्या हमें ऐसी परंपराओं को भी ठुकरा देना चाहिए जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचती है। अगर एक परंपरा ऐसी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करती है, किसी को हानि पहुंचाती है, तो हमें उस परंपरा को बिल्कुल ठुकराना चाहिए। लेकिन दिवाली के एक दिन पटाखे फोड़ने से दिल्ली के ओवरऑल पोल्यूशन लेवल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई औरत अपने पति के लिए अपनी मर्जी से करवा चौथ का व्रत रखती है तो उससे उस औरत का ऑपरेशन नहीं होता। तो क्या हमें ऐसी परंपराओं को जबरदस्ती रोक देना चाहिए या ठुकरा देना चाहिए? अक्सर हमारे बुद्धिजीवी और सेक्युलर जीवी बोलते हैं कि इस देश को धर्म की नहीं बल्कि डेवलपमेंट की जरूरत है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि दोनों साथ में क्यों नहीं हो सकते। और इस फिल्म में भी ऐसे सेक्युलर जीवी हैं जो कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट के नाम पर हमें राम सेतु को तोड़कर वहां पे एक ट्रेड रूट डेवलप कर देना चाहिए। लेकिन ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग पॉइंट खड़ा करती है कि भाई राम सेतु जो है हमारी कल्चरल धरोहर है, तो वहीं पर हमें डेवलपमेंट करनी क्यों जरूरी है? कैलाश पर्वत पर हमें फैक्ट्री बनानी क्यों जरूरी है? अयप्पा के मंदिर पर हमें फैक्ट्री बनानी क्यों जरूरी है? क्या जो लोग राम सेतु को तोड़कर ट्रेड रूट बनाना चाहते हैं वो लोग जामा मस्जिद को तोड़कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने को तैयार होंगे? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। और ये पॉइंट फिल्म एक्चुअली काफी अच्छे से दिखाती है क्लाइमैक्स में। कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो फिल्म में मुझे नहीं पसंद आई थी। फॉर एग्जांपल फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार जो हैं वो श्रीराम असली थे या नहीं, उस पर सवाल खड़ा करते हैं और राम भक्त उनको एक्चुअली अटैक करने लगते हैं। फिल्म ये दिखाती है कि अक्षय कुमार के स्टेटमेंट्स को राम भक्त ब्लास्फेमी की तरह ट्रीट करते हैं और अक्षय कुमार को अटैक करते हैं। इनफैक्ट अक्षय कुमार ये बोलते भी है फिल्म में कि ब्लास्फेमी के लिए मुझ पर हिंसा की जा रही है। हाँ भाई सही बात है, कमलेश तिवारी की मौत और नुपुर शर्मा की जो जिंदगी बर्बाद हुई है वो श्रीराम के ऊपर ब्लास्फेमी करने पे ही तो हुई है। अरे नहीं नहीं, वो तो कोई और है। इनफैक्ट फिल्म में एक राम भक्त लिटरली ये बोलता है कि जो श्रीराम में विश्वास नहीं रखता उसका तो मुंह काला करना ही चाहिए। और ये देश में सीरियस प्रॉब्लम है। कोने कोने में हम आजकल ये सुन रहे हैं कि गुस्ताख है श्रीराम की एक सजा। नहीं नहीं, वो भी कोई और ही है। अरे भाई आप बताइए हमें कि जो हमारे लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस थे जिन्होंने राम मंदिर के मामले में बोला था कि अयोध्या में कोई राम मंदिर है ही नहीं, जिन्होंने मुस्लिम साइड को कहा था कि आप हिंदू साइड के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, उनको किसी ने जाके फिजिकली अटैक किया क्या? राम भक्तों को ये नहीं पड़ी है कि आप श्रीराम में मानते हैं कि नहीं। राम भक्त इस बात पर नाराज है कि आप अयोध्या में राम मंदिर के होने को नकार रहे हैं और हिंदुओं को सदियों पुराना मिला हुआ घाव आप भरने से रोक रहे हैं। तो ये पार्ट मुझे मूवी के बारे में अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्लाइमैक्स में जो हुआ ना यार, उसने काफी कुछ चेंज कर दिया मेरे लिए। और इस फिल्म में यार कसम से इतने बेस्ट लाइंस हैं जितने मैंने आज तक किसी भी बॉलीवुड मूवी में शायद नहीं सुने। इतिहास का मतलब समझते हो? इट
10। मूवी शुरू होती है कि भारतीय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो बामियान के जो टूटी हुई बुद्धा के स्टैचूज हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यार पाकिस्तानी बामियान बुद्धा की स्टैचू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो उसी के बराबर हो गया कि सलमान भाई ब्लैक बक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ओवैसी साहब राम मंदिर के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर अक्षय कुमार को सिंध के आखिरी हिंदू राजा राजा दहिर के कुछ सिक्के मिलते हैं और अक्षय कुमार आधे सिक्के इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं और आधे सिक्के पाकिस्तान में रखते हैं, क्योंकि वो क्लियरली बोलते हैं राजा दहिर और हिंदुइज्म सिर्फ भारत की विरासत नहीं है बल्कि पाकिस्तानियों की भी कल्चरल विरासत है। और क्लाइमैक्स में तो ऐसे ऐसे लाइंस डिलीवर किए गए हैं कि बेसिकली एक मशीन गन की तरह, गैटलिंग गन की तरह बेस लाइन पे बेस लाइन। इंडियन कल्चर में श्रीराम का क्या महत्व है उसको बताते हुए अक्षय कुमार बोलते हैं कि श्रीराम की सिखिज्म में भी इतनी इंपॉर्टेंस है कि उनका नाम सैकड़ों बार गुरु ग्रंथ साहिब में इस्तेमाल किया गया है। ये खबर सुन के खालिस्तानियों का पिछौड़ा जलने की वजह से कनाडा में रिकॉर्ड हीट वेव आ गया है। और जब एक लॉयर अक्षय कुमार से सवाल करती हैं कि क्या हमें हर एक हिंदू सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखना चाहिए, तो अक्षय कुमार बोलते हैं कि भाई कुतुब मीनार जो है वो हिंदुओं के हार का चिन्ह है, उसके बावजूद हमने उसको बचाकर रखा हुआ है। हाँ, उसको हमें बचाकर रखना चाहिए, लेकिन कम से कम हम ये नाटक ना करें कि ये गंगा जमुनी तहजीब का कोई बड़ा सुंदर चिन्ह है। कुतुब मीनार के बगल में जो मस्जिद है उसका एक्चुअल नाम है कुवतुल इस्लाम मॉस्क, यानी पावर ऑफ इस्लाम मॉस्क, और ये मस्जिद 26 जैन मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर बनाई गई है। और अगर वैसी इस्लामिक धरोहर को हम प्रिजर्व कर सकते हैं तो हिंदू धरोहर को क्यों नहीं। और भारतीय धरोहर को प्रिजर्व करने के आर्गुमेंट के फेवर में ये कहते हैं कि भाई तालिबान जो है जो पूरे अफगानिस्तान में घूम घूम कर मूर्तियां तोड़ रहा है, जो उन्होंने बामियान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी है, वो क्यों तोड़ी? अपने घर में बामियान बुद्ध के पत्थर लगाने के लिए। सीधी सी बात है कि बामियान बुद्ध जो है वो अफगानिस्तान का जो हिंदू और बौद्ध धरोहर है उसका सबूत है, और तालिबान उस सबूत का नाश करना चाहता है। अक्षय कुमार ये भी कहते हैं कि हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को इंडियन सेंट्रिक होने के बजाय यूरोसेंट्रिक बना दिया है। वो ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का विनाश नहीं करना चाहिए। तो यार क्लाइमैक्स में ऐसी ऐसी लाइंस वन बाय वन डाली गई हैं कि बिल्कुल जब एक चोटिल अपोनेंट पर एक यूएफसी फाइटर फाइनल प्रहार करता है बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। और मैंने ट्रेलर देख के भी ये कहा था कि फिल्म को देखकर बिल्कुल इंडियाना जोन्स या फिर नेशनल ट्रेजर वाली फीलिंग आती है। और जो मिस्ट्री है फिल्म की वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। स्पेशल शॉट आउट जिस बंदे ने एपी का कैरेक्टर प्ले किया है फिल्म में, वो एक्चुअली काफी फनी था। और जैसा ट्रेलर के रिव्यू में मैंने कहा था कि यार फिल्म का सीजीआई अनफॉर्चुनेटली फिल्म की क्वालिटी थोड़ी गिरा देता है, हर एक बॉलीवुड फिल्म की तरह कुछ डायलॉग्स कुछ सीन्स काफी क्रिंज है, लेकिन यार क्लाइमैक्स में ऐसे ऐसे डायलॉग मारे हैं, ऐसी ऐसी लाइंस मारी हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मेनस्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म में हमको देखने को सुनने को मिलेंगी। और मुझे तो ये लगता है इस तरह की फिल्में बनाने का, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने का तो बॉलीवुड में बस अभी शुरुआत ही हुई है। तो मुझे पता है कि अक्षय कुमार की फिल्मों की क्वालिटी, अक्षय कुमार का देश प्रेम काफी इनकंसिस्टेंट रहा है हमेशा, लेकिन अगर हमें इस तरह की मूवीज मिलती रहे तो यार मुझे ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 6 out of 10 सेक्युलर मार्क्स। मैं इस फिल्म को जरूर रिकमेंड करता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने राम सेतु देखी है? अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो के मक क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके मक क्लब के मेंबर जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।